Hello and welcome back. So today in this video we are going to cover your chapter number 6 from NCERT class 8, and that is your combustion and flame. Right, we have already discussed 5 chapters, and on 5 chapters mein I have taken question answers, MCQs and your various multiple odd one out, everything that can be asked in your competitive exams. So you just need to see the videos and take screenshots wherever necessary. And I hope you will like it, and if you find the content useful, you can share this video among your friends, those who need it. Okay, so let's get started. So the first thing before starting any chapter, what I prefer is telling you the important points that you should remember. For example, ek term hai aapki pehli combustion. So combustion kya hota hai aapka? It's a burning of a substance इन एयर और ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट. ये होता है सब्सटेंस को बर्न करना ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में, और जब वो बर्न करता है तो एवोल्यूशन किसका होता है? एक तो हीट निकलती है उसमें, हीट एनर्जी, और दूसरी निकलती है उसमें लाइट एनर्जी. ये दो एनर्जीज, ठीक है, उसी को आप कम्बस्चन बोलते हो. सेकेंड थिंग इज़ फ्लेम. फ्लेम क्या होता है? जब भी आपकी मोमबत्ती वगैरह कभी भी जलाते हो तो ऊपर जो फ्लेम आता है, जो जला हुआ पार्ट होता है, उसी को हम फ्लेम कहते हैं. एंड इन इंग्लिश इट इज़ द शाइनिंग जोन इन विच अ कम्बस्टिबल गैशियस मटीरियल बर्न्स प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट. ठीक है, नाउ विल कम टू इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जो आपके सब्सटेंस को ज़रूरत होती है जिसकी, ताकि वो आग पकड़ सके. तो इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, सो इट इज़ इग्निशन टेम्परेचर. फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल सभी को पता है, अ कम्बस्टिबल मटीरियल दैट इज़ फॉर्म डीप इन साइड द अर्थ ड्यू टू, कैसा बनता है फॉसिल फ्यूल? डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ऑफ प्लांट्स and plants under high temperature, high pressure and in absence of air. So let me remind you again, fossil fuel combustible material है. combustible materials वो material होते हैं जिनको जलाने के बाद जो light और heat देते हैं. ठीक है, बनते कैसे हैं ये? हमारी धरती में बनते हैं, deep inside the earth. और कैसे बनाए जाते हैं ये? जब उनके ऊपर high temperature और high pressure लगता है बिना absence of air में, in absence of air. So it is what type of a reaction? It is anaerobic reaction. Okay, so now we'll come to calorific value. Calorific value क्या होती है? It is a amount of heat produced when 1 gram of a combustible substance is completely burned. कोई भी combustible substance, कोई भी 1 gram combustible substance जब burn करता है और जो इसमें heat निकलती है, the amount of heat produced, उसी को हम बोलते हैं उसकी calorific value. जितनी ज़्यादा heat निकलेगी substance में से, उतना ही जो है calorific value उसकी बढ़ जाती है. Now there is a term known as greenhouse effect. Greenhouse effect होता है आपका heating up of Earth's atmosphere due to tapping of infrared radiation by greenhouse gases. तो जब भी आपकी जो है धरती का atmosphere जो है heat up हो जाता है, और heat up होता कैसे? जब आपका जो infrared radiation है वो tap हो जाती है by the help of greenhouse gases. Greenhouse gas कौन सी है? तो it is CO2. question हमेशा आता है paper में. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पढ़ना. तो पहला है आपका कम्बस्चन. कम्बस्चन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कम्बाइंस केमिकली विद ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट. इसी को आप कम्बस्चन बोलोगे. फॉर एग्जांपल देखो, आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, आपने क्या जलाया? एक बंसन बर्नर जला लिया. कोई भी बर्नर आप लो, यहाँ पर रखोगे मैग्नीशियम स्ट्रिप, वो कैसे जलेगा? इट विल लाइट. कैसे? बाय अ इट विल गिव अ डैजलिंग लाइट एंड इट विल प्रोड्यूस हीट एंड वाइट पाउडर. और वाइट पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का. तो इसी को आप कम्बस्चन बोलते हो. जब वो जल रहा है और जलते हुए आपकी एक लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है और हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब जो आपका मैग्नीशियम है वो उसका कम्बस्चन हो रहा है, राइट? और मिलेगा क्या आपको? एक तो हीट निकल गई उसमें से, दूसरा क्या निकला? लाइट निकल गई, और एक जो पाउडर बचता है. तो ये आपको याद रखना है, 100% आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि ये जो मैग्नीशियम बर्न करती है, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है, तो वाइट पाउडर जो आपका निकलता है. तो पहला चीज़ कि वाइट पाउडर होता किस चीज़ का है? तो इट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड.
और ये भी पूछ सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर निकलता है वो कलर कैसा होता है, तो इट इज़ वाइट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। चलिए, और अगर आपको ध्यान जानना है और कंबस्टन के बारे में, तो एक एग्जांपल लेते हैं चारकोल का। चारकोल का छोटा सा पीस लो टोंग्स की हेल्प से। टोंग क्या होता है? चिमटा। चिमटे की हेल्प से चारकोल का पीस ले लो, एक फ्लेम जलाओ बंसन बर्नर पे, उसका जो पीस है उसको टोंग की हेल्प से उसके ऊपर रखो। चारकोल क्या करेगा? बर्न करेगा, ठीक है। बर्न करने के बाद वो हीट भी देगा और लाइट भी देगा, और लास्ट में क्या बचेगा उसका? इट विल लीव बिहाइंड लिटिल ऐश, थोड़ी सी ऐश छोड़ देगा। एंड दिस प्रोसेस में क्या होता है? इट इट हैपन्स, क्या कैसा चेंज होता है इसमें? एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। केमिकल चेंज होगा इस प्रोसेस में, तो इसी को आप कंबस्चन बोलते हो, इसी प्रोसेस को। दो कंबस्चन के मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। आगे चलते हैं, कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है, जैसे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो ये याद कर लेते हैं पहले। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं, दो सब्सटेंस विच बर्न इन एयर और ऑक्सीजन। जो भी सब्सटेंस आपके बर्न करते हैं एयर में या ऑक्सीजन में, उसी को आप बोलते हो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो बर्न करते हैं, जो हीट अप करते हैं, बताइए। एक तो पेट्रोल है, ठीक है। जब भी आप गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल से आपकी गाड़ी चलती है, क्या निकलता है? धुआं निकलता है, ठीक है, तो वो कंबस्टिबल है। दूसरा एलपीजी, वैक्स। वैक्स को बर्न करके देखो, धुआं निकलेगा। कैरोसिन को बर्न करके देखना कभी। सिमिलरली विथ पेपर, क्लोथ, वुड, कोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जिनको बर्न करने के बाद हीट और लाइट एनर्जी निकलती है, हीट और लाइट, ठीक है। देन सेकेंड वन इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन। जो भी सब्सटेंस आपके एयर में या ऑक्सीजन में बर्न नहीं होते, हम उसको कितना भी जलाने की कोशिश करेंगे, ये सब्सटेंसेस कभी भी जलेंगे नहीं। तो ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? आप पानी में आग नहीं लगा सकते, ठीक है। ग्लास को जला के देख लो, नहीं जलेगा। सीमेंट जला के देखो, नहीं जलेगी। सैंड जला के देखो, नहीं जलेगी। तो एक किस तरीके के सब्सटेंसेस हैं? ये होते हैं आपके नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं सपोर्टर ऑफ कम्बस्चन की, कि जब ये जलते हैं सब्सटेंस, जिसको कम्बस्चन बोला जाता है, तो इसको सपोर्ट कौन करता है? सपोर्टर क्या है कम्बस्चन के? दो वो पढ़ लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच हेल्प इन कम्बस्चन, जो सब्सटेंस आपके कम्बस्चन में हेल्प करते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस के बर्निंग में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हो आप सपोर्टर ऑफ कम्बस्चन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कम्बस्चन ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें जब भी आपका कम्बस्चन ऑफ कार्बन हो रहा होता है, मतलब कार्बन आपका जल रहा होता है, कोयला भी जल रहा है, मान लो कोयला ही ले लिया, उसमें कार्बन ही तो होता है, वो जल रहा है आपका, तो इसमें सपोर्टर क्या है? किसकी वजह से जो है ये कम्बस्चन हो रही है, वो जल किसकी वजह से रहा है? क्या आग है? तो नहीं। तो द सपोर्टर इज़ योर ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के, बिना एयर के ये जलेगा ही नहीं। सो योर एयर इज़ अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्चन, राइट। सो इफ द सप्लाई ऑफ दिस सपोर्टर ऑफ कम्बस्चन इज कट ऑफ, द कम्बस्चन और द बर्निंग स्टॉप्स। अब क्या होता है, किसी भी जगह पे आग लगती है, तो क्या उस जो आपकी एयर है उसकी वजह से वो आग पकड़ती है, और जो आग फैलती है, जितनी जितनी हवा जाएगी उतना उतना वो आग फैल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, उसको फायर एक्सटिंग्यूशर से बुझाते हैं। फायर एक्सटिंग्यूशर का काम ही क्या है? वो क्या करता है, एक लेयर उसके ऊपर बना देता है फोम की, जिसकी वजह से जो हम आपकी जो ये आग है और आपका ऑक्सीजन जो दो एयर का है, वो आपस में उन दोनों का कांटेक्ट काट देता है, ठीक है। सो इसीलिए हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारे मटेरियल पे, वो बिल्कुल जो है कट जाए। आई होप इट इज़ क्लियर। सो नाउ विल कम टू इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है आपका? ईच कम्बस्टिबल सब्सटेंस इट मस्ट बी हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर बिफोर इट कुड कैच फायर। किसी भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस जब भी वो हीट अप करता है, और उसको जलने के लिए छोटा पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि वो जल सके और बर्न कर सके, ठीक है, फायर पकड़ सके। तो उसी लोएस्ट टेम्परेचर को जो उस सब्सटेंस को चाहिए टू बी हीटेड बिफोर इट कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन, उसका इग्निशन टेम्परेचर यही होता है, ठीक है। आप किसी भी, मान लो आपने लकड़ी को जलाया, तो सबसे पहली बार जब वो टेम्परेचर जो उसको प्रोवाइड हुआ, जब आपकी लकड़ी जलनी शुरू हुई है, उसी को आप बोलते हो इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो फेज होता है उसका, दैट इज इग्निशन। इग्निशन टेम्परेचर को और आप और क्या बोल सकते हो? वी कॉल इट एज किंडलिंग टेम्परेचर। किंडलिंग टेम्परेचर भी आप इसको बोलते हो। देन
the substances which द सब्सटांसिस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर कैचेज फायर ईजिली. तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है 100% क्या कि जो आपके इग्निशन टेम्परेचर है फायर पकड़ने के लिए किसी भी सब्सटांस का, तो कैसा होना चाहिए कि वो जल्दी फायर पकड़ ले. तो इग्निशन टेम्परेचर हमेशा ही सब्सटांस का लो होना चाहिए ताकि वो फायर जल्दी से पकड़ ले. ठीक है, अगर ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा, मतलब अगर ज़्यादा टाइम लगाएगा तो टाइम लेगा वो आग पकड़ने में. जिस भी मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर कम है जल्दी से फायर पकड़ लेगा वो. राइट, इग्निशन टेम्परेचर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अगर कोई भी आपके मटेरियल है उसको अगर फायर पकड़ लिया उसने, तो क्या होता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस? इट डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल नेचर. सेकेंड थिंग, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल. यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि पेट्रोल और कैरोसिन में किसका इग्निशन टेम्परेचर कम है. तो आपका जो पेट्रोल है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू कैरोसिन. पेट्रोल आपका जल्दी आग पकड़ लेता है कैरोसिन के मुकाबले. सही है, चलिए. अब यहाँ से आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ मैं. द सब्सटेंसेस विच हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन कैच फायर रैपिडली. इन सब्सटेंसेस को आप और क्या बोलते हो? इन सब्सटेंसेस को आप इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी बोलते हो. और ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपके एलपीजी है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, ये सब आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं. एंड एक और क्वेश्चन कि आपका जो कम्बस्चन है ये किस तरीके का प्रोसेस है? तो इट इज़ एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक क्या होते हैं? जिसमें आपकी हीट निकलती है. ठीक है, वो प्रोसेस होते हैं जिनमें हीट हीट जो है वो करते हैं. तो दो आर नोन एज एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब करते हैं. एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकालते हैं. राइट, कंडीशंस पढ़ लेते हैं हम कंबस्चन की. कंडीशन फॉर कंबस्चन और बर्निंग. तो क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है किसी भी मटेरियल के कंबस्चन के लिए या बर्निंग के लिए? पहला, द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. को एक प्रेजेंस होनी चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस की. फॉर एग्जांपल, द सब्सटेंस विच बर्न रेडिली. जो भी सब्सटेंस रेडिली बर्न करता है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हो आप. सो कंबस्चन टू टेक प्लेस, फॉर अ कंबस्चन टू टेक प्लेस अ कंबस्टिबल सब्सटेंस शुड बी प्रेजेंट. ताकि कंबस्चन हो सके एक कंबस्टिबल सब्सटेंस तो होना ही चाहिए. दूसरा, कि प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्चन. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, किसी भी कंबस्चन के प्रोसेस को होने के लिए उसका सपोर्टर ऑफ कंबस्चन होना ज़रूरी है. तो वो सपोर्टर क्या है? अब हमने कोयला जलाया तो बिना हवा के जो है कोई भी चीज़ जलेगी नहीं. तो सपोर्टर इज़ योर ऑक्सीजन. राइट, अब अगर हम उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई या हवा की सप्लाई काट देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है आपकी कंबस्चन की प्रोसेस. सो दूसरा होना चाहिए आपका एक सपोर्टर ऑफ कंबस्चन. एंड द थर्ड वन इज इनिशियल हीटिंग टू ब्रिंग अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इनटू इग्निशन टेम्परेचर. एक हमें उसकी इग्निशन हीटिंग चाहिए होती है ताकि जो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो एक उस पर आ सके टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी, इट्स अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट कोल, कैरोसिन और एलपीजी दे डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन इवन इफ व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर फॉर अ लॉन्ग. कोई भी एलपीजी आप ले लोगे, कोल ले लोगे, कैरोसिन ले लोगे, तो हम कभी कहीं भी रख दो इसको, ऐसा तो नहीं है कि इसने कैच कर लिया फायर को. इनको आपको मैच स्टिक दिखानी पड़ेगी या आग लगानी पड़ेगी इन पर थोड़ी सी, तभी जाके ये जो सब्सटेंसेस हैं वो जलेंगे. ठीक है, और सिमिलरली मैच स्टिक वो भी अपने आप नहीं जलती. मैच स्टिक को रब करना पड़ेगा आपको रफ सरफेस पे, तभी जाके वो कैच करेगी फायर. तो उसी को आप बोलते हो इग्निशन एक टेम्परेचर, इग्निशन हीटिंग जो है आपको देनी पड़ती है इनको, ताकि ये जो है कंबस्चन का प्रोसेस हो सके. चलिए आगे चलते हैं. देन विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल ऑफ फायर या फिर बर्निंग. सी, फायर जो है इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बी बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज. अब हमने इग्निशन करा दिया, इग्निशन टेम्परेचर दे दिया, कंबस्चन हो गई. अब भाई ये तो है नहीं आग को लगी रहने देंगे या फिर बर्न होता रहेगा कोई भी. हमें उसको क्या करना है, हमें उस फायर को, हमें उस बर्निंग को कंट्रोल करना है. वो बर्निंग कैसे कंट्रोल होगी हमारी? वो ऐसी होगी बाय रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस एंड सराउंडिंग एरिया. या तो भाई हम उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को उस एरिया से बहुत दूर लेके फेंक दें. ठीक है, आपका सिलेंडर
सिलेंडर जल जाता है कई बार, क्या करते हो? या तो उसको कपड़े से ढक देते हो, चादर ढक देते हो, अदरवाइज क्या करो, सिलेंडर को फेंक के भाई कहीं दूर की जगह पे ले जाओ ताकि जो है आसपास की चीज़ें बच जाएं। दूसरा क्या होता है कि आप जो वो सपोर्टर है ऑफ कम्बस्चन, सप्लाई ऑफ एयर को काट दो। तीसरा क्या होता है, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग ऑब्जेक्ट्स बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, या तो हम उस बर्निंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को इतना लोअर कर दें बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर कि वो जले ही ना। अब आग लगी है कहीं भी, ठीक है, एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होगा उस मटीरियल को, तभी जाके आग लगी। अब हम उसके ऊपर पानी डाल देंगे, अगर लोअर कर देंगे उसका टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी नहीं जलेगी। तो बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग ऑब्जेक्ट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सो दीज आर द थ्री मेथड्स वी कैन कंट्रोल आर फायर और या आर बर्निंग, राइट? लेट्स मूव फर्दर नाउ। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है? आपकी फायर एक्सटिंग्विश हो कैसे सकती है बताओ? पहला तो या तो हम उस पर पानी डाल दें, ठीक है। वेन एवर द वॉटर इज स्प्रेड ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर। किस तरीके से एक्सटिंग्विश करेंगे? मान लो हमने पानी भी छिड़क दिया तो हमारी जो आग है वो बुझेगी कैसे? उससे क्या होता है, आपने पानी डाला तो उससे क्या होगा, इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर ऑफ द कम्बस्टिबल मटीरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी कम्बस्टिबल मटीरियल का टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, उस इग्निशन टेम्परेचर से कम ले आएगा, ठीक है। एज द रिजल्ट फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, पहला तो ये होगा। दूसरा क्या होता है उसमें, जब आपने पानी डाल दिया आग में तो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं ड्यू टू हीट ऑफ फायर एंड इट कट्स द सप्लाई ऑफ एयर। जब भी आपके वाटर वेपर बने, आपने आग में डाला पानी, वाटर वेपर बने, तो वो जो सप्लाई है आपकी वो काट देता है हवा और उसके बीच की, ताकि जो है वो जली ना पाए, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर जो कि सपोर्टर है कम्बस्चन का, द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। दूसरा क्या होता है आपका, एक आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप क्या कर रहे हो कि पानी आग बुझाना है आपको, तो आपको क्या करना है, कभी भी ऑयल नहीं डालना, ठीक है। पानी से आग बुझाने कभी भी उसमें तेल नहीं डालना, वाई सो ये बताओ ज़रा। आई एम सॉरी, मैं जो यहाँ बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब भी किसी भी कोई भी मटेरियल जलता है और वो इट्स अ ऑयल फायर, मतलब किसी तेल की वजह से जलता है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुनना ध्यान से। कभी भी आग जलती है और वो एक तेल की है, उससे जलती है कि मान लो कहीं किसी तेल की फैक्ट्री में लग गई आग, तो उसमें क्या है, आपको कभी भी पानी यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना? बिकॉज जो ऑयल है वो पानी से लाइटर होता है, ठीक है। अब वो पानी से लाइट है तो क्या होगा, इट विल फॉर्म अ थिन लेयर ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर एंड फ्लोज विद वाटर, देयरफॉर वो क्या करेगा, स्प्रेड कर देगा हमेशा फायर को आपके दूसरे लार्जर एरियाज पे। तो यहाँ मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आप कभी भी ऑयल फायर को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हो? तो नहीं, आप ऑयल फायर को बुझाने के लिए कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ऑयल जो है पानी से क्या होता है, लाइट होता है, वो पानी के ऊपर आ जाएगा और उस वजह से जो है सारा का सारा वो फायर जो है, जहाँ जहाँ आपका पानी बहेगा वहाँ वहाँ जो है ऑयल के साथ फायर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कभी भी ऑयल फायर बुझाने के लिए वाटर का यूज़ नहीं करना। और किस तरीके से आप जो है फायर को बुझा सकते हो, वी कैन स्प्रे अ हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप एक बहुत ही हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड भी, वॉलेटाइल क्या होता है, जो जल्दी वेपराइज हो जाता है, वेपोरेट कर जाता है, तो इट इज़ वॉलेटाइल। आप बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी आप उसके ऊपर छिड़क सकते हो, राइट? जो भी आपके ऑक्सीजन सॉरी जो भी आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें होता क्या है, या तो CO2 होती है या फिर जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड उसमें प्रेजेंट होती है आपके फायर एक्सटिंग्विशर में। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको किस तरीके से बेचा जाता है कमर्शियली, जो है इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन केस दे आस्क यू कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी दो चीज़ें डलती हैं, एक तो CO2 वाला हो सकता है या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl2, और इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को और क्या बोलते हो आप, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप पायरीन भी बोलते हो, PYREN, पायरीन, इस नाम से भी कमर्शियली जो है ये बिकता है। बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हाईली वॉलेटाइल। अगर पूछा जाए CO2 और CCl2 कैसे हैं, इट दे आर हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड। सो
क्या होगा, जब जैसे ही आप इसको डालोगे किसी भी सरफेस के ऊपर जिसने आग पकड़ रखी है, सडनली इवेपोराइज हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा और जो आपकी सप्लाई ऑफ एयर है उसको काट देगा. ठीक है, सप्लाई ऑफ एयर कट गई तो सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन कट गया और फिर उसके बाद क्या होना है, आपका फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी. ठीक है, तीसरा पॉइंट इज फॉर्माइट फायर, फोमाइट फायर एक्सटिंग्यूशर. या तो हम CO2 वाला फायर एक्सटिंग्यूशर यूज़ करते हैं या फिर एक आता है आपका फोम वाला, फोम होता है आपका झाग, झाग वाला फायर एक्सटिंग्यूशर यूज़ कर सकते हो आप. उससे भी क्या होता है, झाग आपका ऊपर वाली लेयर पे बन जाएगा तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है या फिर एयर की सप्लाई है और उस मटेरियल की है, उन दोनों के बीच में सप्लाई कट जाएगी हवा की. ठीक है, ये उसको काट देता है. तो फोमाइट फायर एक्सटिंग्यूशर ऑल्सो यू कैन यूज़. सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेट्स डिस्कस इन दिस. तो क्या है द सब्सटेंस विच बर्न्स रेडिली, उसको आप क्या बोलते हो, हम उनको बोलते हैं कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस. कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके LPG, केरोसिन, पेपर, ये सब आपके होते हैं कम्बस्टेबल. नॉन कम्बस्टेबल होते हैं द सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न आर नोन एज नॉन कम्बस्टेबल. और होते कौन कौन से, जैसे वाटर, ग्लास, सैंड, ये सब होते हैं नॉन कम्बस्टेबल. अभी किसी भी सब्सटेंस को जो हेल्प करता है कम्बस्चन में, उसको क्या बोलते हो आप, सपोर्टर ऑफ कम्बस्चन. चौथा पॉइंट इज इग्निशन टेम्परेचर. जो लोएस्ट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है किसी भी सब्सटेंस को हीट करने के लिए बिफोर इट कैचेस फायर, दैट इज़ नोन एज योर इग्निशन टेम्परेचर. फिफ्थ पॉइंट इज द फायर, वो किस किस तरीके से आप जो आग लगी हुई है उसको किस किस तरीके से बुझा सकते हो. पहला, by removing combustible substance from the place and and surrounding it with some other material. Dusra, by cutting supply of supporter of combustion. And the third one is by lowering the temperature of burning object below its temperature. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. So this, I guess this is all for today. From tomorrow I'm gonna take your part 2 of this chapter. If you like it, kindly subscribe and share our channel. Also, do like this video and share with other aspirants also. मैं जितना हो सकता है आपको कवर करा देती हूँ, तो आपको इतना ज़रूरत नहीं है आपके NCERT पढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए. अगर आप सिर्फ ये भी देख लेते हो, मोर देन इनफ, मैं आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड कराती हूँ जिसमें आपको कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत है ही नहीं. सो टिल देन टेक केयर, गुड लक, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ. Thank you.